अरे वाह, खूबसूरत सा लोकेशन पे आ गए हम लोग। अरे वाह, क्या नजारे हैं भाई साहब। लोग यहाँ पे चारा देने के लिए आते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोल पे। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं हूँ ढाई दिन के झोपड़े पे और यहाँ से मैं जा रहा हूँ आना सागर झील देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। झील है पृथ्वीराज चौहान के दादाजी ने बनाया हुआ है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री वहाँ का बतला दूँगा। तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग। अरे बाप रे, ये पूरा लगे हुए हैं। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं आना सागर जाने के लिए। यहाँ पे एक चौक मिला है हमें और यहीं से हम लोगों को लेफ्ट जाना है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि नहीं वैशाली नगर जाना हॉस्पिटल, ये सब लिखा हुआ है। बस हम लोग सीधे सीधा चल रहे हैं, पूछते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आना सागर झील के लिए। तो कभी भी आप आते हो ना, तो आना सागर तो बिल्कुल जाइएगा, काफी अच्छी जगह है। अरे वाह, खूबसूरत सा लोकेशन पे आ गए हम लोग। अरे वाह, क्या नजारे हैं भाई साहब। इसी को बोलते हैं आना सागर झील, काफी शानदार सा बना हुआ है। तो गाइस, यही है आना सागर झील। देखिए क्या नजारे हैं यहाँ के भाई साहब, पूरे पैसे वसूल है। आइट साइड में देख रहे पहाड़ एरिया है और इस पहाड़ों के बीचों बीच में ये देखिए ये बना हुआ है, काफ़ी शानदार सा ये लोकेशन पे बना हुआ है। एक तरफ से यहाँ का मरीन ड्राइव बोल सकते हो आप इसको। अब इतने लोग आए हुए हैं और इस तरफ का पूरा लोकेशन देखो तो पहाड़ एरिया है। यहाँ से कोई ऊपर से देखेगा इस नज़ारे को तो भाई तबाही नज़ारे हैं। बीच में कुछ आइलैंड जैसा कुछ बना हुआ है और ये बीच में भी कुछ बना हुआ है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे से पूरा आपको नज़ारा दिखलाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है आई लव अजमेर करके, वो भी आपको दिखलाता हूँ। और थोड़ी बहुत यहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी बतलाने वाला हूँ कि इस झील को किसने बनाया हुआ है। अच्छे लोकेशन में है गाइस, ये शाम के समय में तो काफ़ी सुंदर दिखता होगा ये, क्योंकि लोग यहाँ पे शाम के समय में ही विजिट करते होंगे। अभी मॉर्निंग में तो उतना कोई खास भीड़ नहीं है। और ये तो इस साइड में फ्रूट वगैरह भी है। आगे में है चौपाटी। तो अभी हम लोग सागर झील के किनारे किनारे बाइक से चल रहे हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे आप जो देख रहे होंगे बदक वगैरह है, पूरे झुंड की झुंड है यहाँ पे। और इसमें इतने सारे मछली है कि भाई बता नहीं सकता मैं। लोग यहाँ पे चारा देने के लिए आते हैं। बाइक के थ्रू हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, आपको पूरा नज़ारा दिखला देते हैं यहाँ का। काफ़ी शांत सा ये माहौल है यहाँ का। अभी हम लोग उस साइड में थे, उस साइड से हम लोग बाइक के थ्रू यहाँ आए हैं।
ये गाइस देखें खूबसूरत सा लोकेशन पे, खूबसूरत सा ये पेड़। गाइस ये जो झील है आना सागर झील, यहाँ पे विजिट जरूर करिएगा, काफ़ी खूबसूरत सा ये प्लेस है। लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और कुछ समय अपना निकाल के आते हैं। इधर का जो नज़ारा है देखने में काफ़ी खूबसूरत सा है, तो बिल्कुल यहाँ पे विजिट करिएगा। अब यहाँ के मैं बारे में बतला देता हूँ कि इसका निर्माण किसने कराया था और कौन से सन में हुआ था इनका निर्माण। निर्माण हुआ है वो पृथ्वीराज चौहान के दादा आनाजी चौहान, और ये 12वीं शताब्दी में मध्य करवाया गया था। अब सोचिए इतना पुराना है ये, 12वीं शताब्दी के मध्य के समय में ये इसका निर्माण कराया गया था पृथ्वीराज चौहान के दादाजी ने। लोग यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए, फोटोग्राफी के लिए आते हैं। काफ़ी शांत सा ये माहौल है शाम के समय में। आपको ये जो एरिया आपको दिख रहा है खाली सा, इसमें आपको भीड़ नज़र आएंगे। गाइस तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो पे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।